जैक क्रोली 122 रन 111 बॉल पे, बैन डेकिट 107 रन 110 बॉल पे, ऑली पॉप 108 रन 104 बॉल पे, हैरी ब्रूक 101 रन 81 बॉल्स पे। ये जो मैंने आपको फिगर बताई है ये किसी T20 मैचेस के नहीं है चार पांच, और ना ही ये किसी वनडे मैचेस का है, बल्कि ये नई तारीख रकम कर दी है इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट ने पाकिस्तान के खिलाफ। आज जो पहला दिन था, 506 रन, 4 खिलाड़ी आउट पे, एक पहाड़ स्कोर खड़ा कर दिया है सिर्फ पहले दिन में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉइन स्पोर्ट्स। तो जी जनाब, तो कल तक जो एक मामला बना हुआ था कि आज का मैच होगा अपने मुकर्रर वक्त पे या नहीं होगा, या ये मैच डिले हो जाएगा दो तीन दिन के लिए, और इंग्लैंड के प्लेयर्स की तबीयत ठीक नहीं है, वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, फूड पॉइजन चल रहा है, तरह तरह के रूमर चल रहे थे। लेकिन मालूम ये चला आज का पहला दिन होने के बाद कि ये इनकी तबीयत ख़राब नहीं थी, बल्कि इन्होंने माइंड ये बनाया हुआ था कि पाकिस्तान को किस तरह की तबीयत इन्होंने आज ख़राब करनी है, और शायद हिस्ट्री में किसी टीम की इस तरह की दुर्गत नहीं बनी होगी जो आज इंग्लैंड ने पहले दिन बना दी है पाकिस्तान के तमाम बॉलर्स की। और ये तो बिल्कुल समझ से बाहर कर दिया आज इंग्लैंड ने, कि वो पहली दफ़ा ऐसा लग रहा था कि कोई टीम वाइट कपड़ों में T20 की तरह का गेम खेल रही है, शायद T20 से भी आज ऊपर का गेम खेला गया है। और जिस तरह की आज इंग्लैंड के बैट्समैन ने परफॉर्मेंसेस दी है, तो वो तो बिल्कुल ही लाजवाब कर दिया है उन्होंने, और एक दफ़ा फिर उन्होंने साबित कर दिया है कि वो जो बेसबॉल का एक ऑप्शन लेकर आए हैं टेस्ट क्रिकेट में, शायद उन्होंने बेसबॉल को ही बहुत पीछे छोड़ दिया है। और जिस तरह की आज इनिंग्स खेल गए इंग्लैंड के तमाम बैट्समैन, एक हिस्ट्री रकम कर दी है इन्होंने। और आज का दिन पाकिस्तानी बॉलर्स के हिसाब से तो एक तारीख दिन रहा है, और शायद कभी किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह की दुर्गत बन सकती है। और जिस तरह से उधेड़ के रखा है आज इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान के बॉलर्स को, वो अपनी मिसाल आप है। और यहाँ पर जितनी तारीफ़ की जाए इंग्लैंड के माइंडसेट की स्पेशली, कि वो जो एक नया ट्रेंड लेकर आए हैं टेस्ट मैचेस में, तो वो ये जान गए हैं कि अगर आप टेस्ट मैचेस को ज़िंदा रखना है तो इसी तरह की क्रिकेट तमाम मुल्कों को खेलनी होगी। और एक अच्छा एक पैटर्न सेट करके गए हैं आज वो, कि अब टेस्ट मैचेस अगर खेलने हैं आपने तो इस फॉर्मेट को लेकर आपने खेलना होगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। वो ये सोचकर नहीं आए थे कि उन्होंने आउट होना है या नहीं आउट होना है, उनका मकसद सिर्फ यही था कि टेस्ट मैचेस को बिल्कुल T20 की तरह से ट्रीट किया जाए, और जो एंटरटेनमेंट आपको T20 में मिलती है वही टेस्ट मैचेस में वो लेकर आएँ। और आज एक दफ़ा उन्होंने साबित किया है इस चीज़ को। रिकॉर्ड की बात की जाए इस पहले दिन के मैच में, तो शायद अब रिकॉर्ड बुक को ही फाड़ के फेंक देना चाहिए, क्योंकि शायद ही कोई रिकॉर्ड बचा हो जो आज इंग्लैंड ने अपने नाम नहीं कर लिया हो। 1910 में ऑस्ट्रेलिया ने जुनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले दिन 494 रन बनाए थे, और आज 112 साल के बाद इंग्लैंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है पाकिस्तान के खिलाफ। जिस तरह से उन्होंने आज बैटिंग की है, 506 रन 4 विकेटों पे, ये नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। और वो तो जितना शुक्र अदा करें पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, जो पूरा 90 ओवर का खेल नहीं हो सका ख़राब रोशनी के बाद, जब भी खेल मुलतवी किया गया तो उस टाइम पे भी 25 ओवर बाकी थे, और अगर ये 25 ओवर मजीद हो जाते तो शायद ये 700 रन का भी आज पट्टा क्रॉस कर जाती इंग्लैंड की टीम, जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रही थी। और ख़ासकर जब लास्ट में बेन स्टोक्स ने 15 गेंदों पर 34 रन किए, 6 चौके 1 छक्के की मदद से, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग कर रहे थे तमाम के तमाम इंग्लैंड के बैट्समैन। शुरू करें जी, इंग्लैंड ने टॉस जीता, टॉस जीत के जो उनका प्लान था उसी प्लान के हिसाब से हो गए, पहले बैटिंग करने का खुद उन्होंने फैसला किया। और उसके बाद जिस तरह से आज दोनों ओपनर्स खेलने के लिए आए, जैक क्रोली बैन डेकिट, शानदार परफॉर्मेंस रही दोनों की। पहले ही ओपनिंग पार्टनरशिप में दोनों ने सिर्फ 35 ओवर में 233 रन का ओपनिंग स्टार्ट दे दिया था इंग्लैंड की टीम को। और जब पहली विकेट गिरी बैन डेकिट की, जो कि 107 रन बनाने में कामयाब रहा है सिर्फ 110 गेंदों पर 15 चौकों की मदद से,
उसके बाद पाकिस्तान की टीम में जान में जान आई कि शायद अब कोई बड़ा ब्रेक थ्रू देने में कामयाब हो जाएगी पाकिस्तान की टीम और गेम में वापसी आएगी, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान का ख्वाब ही रहा। ओली पॉप ने जब ज्वाइन किया जैक क्रॉली को, उसके बाद से उन्होंने जिस तरह से इनिंग स्टार्ट की, बेहतरीन किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंस दी। 104 गेंदों पर 108 रन उन्होंने भी बना दिए 14 चौकों की मदद से। उसके बाद जब जैक क्रॉली की विकेट ली पाकिस्तान ने, तो वो भी 122 रन की शानदार इनिंग खेल चुके थे सिर्फ 111 बॉलों में 21 चौकों की मदद से। जॉय रूट वो बदकिस्मत प्लेयर है जो इस मैच में सेंचुरी नहीं कर सके, 31 गेंदों पर वो भी 23 रन बना सके। उसके बाद हेनरी ब्रोक सारे ब्रेक कर दिया आज उन्होंने रिकॉर्ड, सिर्फ 81 गेंदों पर 101 रन की शानदार इनिंग खेली 14 चौकों 2 छक्कों की मदद से। और बेन स्टोक की तो क्या ही बात की जाए, जिस तरह से वो मज़े ले लेके आज पाकिस्तान बॉलर्स ही ले रहे थे, लग ऐसा रहा था कि वो किसी और ही मूड में आए हैं। लेकिन वो ख़राब रोशनी के बाद जब खेल ख़त्म हुआ तो वो भी 15 गेंदों पर 34 रन पर नॉट आउट हैं। अब देखते हैं कल का जब दिन का आगाज़ होता है तो पाकिस्तान किस तरह से ये अपना स्टार्ट करता है। लेकिन यहाँ बात कहना बिल्कुल ग़लत नहीं होगा कि पाकिस्तान की सिलेक्शन, पाकिस्तान की आज जिस तरह की परफॉर्मेंस है, वो जितनी बस से बदतर हालात रहे पाकिस्तान के, लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस कभी देखने में नहीं आई। नसीम शाह 15 ओवर में 96 रन दे डाले इन्होंने, मोहम्मद अली जो डेब्यू कर रहे थे 17 ओवर में इन्होंने भी 96 रन दे की एक विकेट ली। हारिस रऊफ तेज तरीन बॉलर किसी किस्म की, वो भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दे सके, 13 ओवर में 78 रन उन्होंने दिए। जाहिद महमूद जो डेब्यू कर रहे हैं 23 ओवर में 160 रन उन्होंने भी दिए, दो विकेटें वो हासिल कर सके। आगा सलमान 5 ओवर में 38 रन, सऊद शकील 2 ओवर में 30 रन। जब बॉलर की अगर बात की जाए तो शायद ज़्यादती होगी कि जिस किस्म की विकेट पाकिस्तान ने आज दिए टेस्ट मैचेस के लिए, मैं पिछले 3-4 वीडियोस में अगर आप लोगों को याद होगा मुसलसल ये कहता हुआ आ रहा था कि इस तरह के विकेट्स बना के सिर्फ पाकिस्तान अपना नुकसान करेगा और कुछ नहीं करेगा। और एक दफ़ा फिर वही पाकिस्तान ने आज प्रूव किया है कि किस किस्म का माइंड सेट है इनका टेस्ट क्रिकेट के हवाले से। इतनी नेगेटिव माइंड से अगर आपने टेस्ट मैचेस खेलना है तो इससे बेहतर है आप टेस्ट मैचेस खेलें ही ना। और मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि इतने साल के बाद पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस नसीब हो रहे हैं और जिस तरह की मुर्दार विकेटें बना रहे हैं, इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस पिंडी टेस्ट पिच को अच्छा नहीं करार दिया गया था, और एक दफ़ा फिर इस तरह की पिच बना के ये मालूम नहीं क्या चाह रहे हैं कि किस तरह के पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन आएगा। और ये आज खुद इन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ा मारा है। और यहाँ पे अगर पाकिस्तान अपना होम एडवांटेज भी नहीं ले सकता है तो मालूम नहीं कि पाकिस्तान के जितना भी टीम मैनेजमेंट है वो किस किस्म का प्लान कर रहा है पाकिस्तान के स्पेशली टेस्ट के हवाले से, या शायद सिर्फ हमने अपना फोकस सिर्फ T20 पर रख लिया है और टेस्ट मैचेस को हम वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी जिस तरह की देनी चाहिए। टीम सिलेक्शन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था आज के इस मैच के लिए कि किस तरह से इन्होंने टीम सेलेक्ट की है। हर टीम अपनी होम एडवांटेज का फ़ायदा उठाती है, जब अपने सिलेक्शन कर ली थी स्पिनर्स की तो मालूम नहीं क्यों फिर ये नुमान अली को इन्होंने बाहर रख दिया, मोहम्मद नवाज़ को बाहर रख दिया, मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद की बात करते रहे उसको बाहर कर दिया। 4 बॉलर्स से जब आप टेस्ट मैचेस खेलने के लिए जाएंगे तो इस बात से अंदाज़ा लगाना आपको मुश्किल नहीं होता है कि या तो ये सिर्फ ड्रॉ करने के लिए इस मैच को खेलने के लिए जा रहे हैं, 7 बैट्समैन इन्होंने टीम में डाल दिए हैं, और अब जिस किस्म का पहाड़ स्कोर खड़ा कर दिया इंग्लैंड ने, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि इंग्लैंड को शायद दूसरी बैटिंग करने की नौबत भी आएगी। और जिस किस्म की बॉलिंग है इंग्लैंड के पास और अब जिस तरह का माइंडसेट हो गया है पाकिस्तान का आज पहले दिन के इस स्कोर के बाद, तो बहुत मुश्किल है शायद ये पाकिस्तान मैच जिता पाए, बल्कि जीतना दूर की बात है। अगर ये मैच पाकिस्तान ड्रॉ भी करने में कामयाब हो गया तो शायद ये बहुत बड़ा कारनामा होगा पाकिस्तान का कि इस मैच को ड्रॉ करने में भी कामयाब हो जाता है। जिस तरह की मुर्दार विकेट है, ड्रॉ तो शायद पाकिस्तान को कर लेना चाहिए, लेकिन देखना सिर्फ यही है अब किस किस्म का रिस्पांस पाकिस्तान की बैटिंग देती है इसके जवाब में, क्योंकि पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट पूरी दुनिया के टेस्ट मैचेस में सबसे कम तरीन शुमार किया जाता है। और अगर ये 600-700 रन के जवाब में अगर 400-450 करने में कामयाब हो भी जाते हैं
तो एक किसी किस्म का फ़ायदा नहीं होगा पाकिस्तान के लिए, बल्कि एक अच्छा एक एडवांटेज जो होम एडवांटेज पाकिस्तान को मिला है वो उसको ज़ाया करेंगे। इंडिया में जब भी टीम्स खेलने के लिए आती हैं वो अपने स्पिन अटैक का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, इस तरह का ट्रैक बनाते हैं, लेकिन जिस तरह से डर के ये खेलने जा रहे हैं टेस्ट मैचेस, नतीजा कोई नहीं निकलने वाला है। जो शायद जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हम गंवा बैठे थे अपने होम एडवांटेज का बगैर कोई फ़ायदा लिए, शायद ये सीरीज़ अब उसी तरफ मुझे लगता है ऐसा ही है कि जा रही है। और अगर अभी उन्होंने होश के नाखून नहीं लिए तो मालूम नहीं है पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस में कहाँ लेके जाके छोड़ेंगे। चलें जी, देखते अब ये हैं कि कहाँ ये स्टॉप करता है इंग्लैंड अपने इस स्कोर को, और पाकिस्तान को कब ये इनवाइट करते हैं बैटिंग के लिए, और किस किस्म की अब पाकिस्तान के बैट्समैन इसका जवाब देते हैं इस स्कोर का, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन आज बहुत एक मायूसकुन दिन रहा पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से, और उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान एक अच्छा अपने माइंडसेट को लेके जाए, और अगर इस मैच को ज़िंदा रखना है तो जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है आज इंग्लैंड के बैट्समैन ने, अगर उसी कैलिबर की परफॉर्मेंस देने में हमारे बैट्समैन भी कामयाब हो जाते हैं तो ये एक बहुत अच्छा एक साइन होगा पाकिस्तान के लिए। एटलीस्ट ये तो नज़र आना चाहिए कि हम डर के नहीं खेल रहे हैं, और इसी माइंडसेट की तरह साथ अगर ये खेलते रहे तो नतीजा जो भी हो फिर, लेकिन एक अच्छा मैच देखने को ज़रूर मिल जाएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।